question number 119 again. A long string of web stretched by x centimeter has potential energy U. And if it has potential energy U, so the W is the formula of the potential energy half a x square. कितना Question number 121.
in 1 kg stone attached to a chain 60 cm long is revolving at 3 revolution per second. एक चेन ले लिया बेटा, उसकी लंबाई क्या है? 60 सेंटीमीटर. उसमें क्या बंधा हुआ है? एक स्टोन बंधा हुआ है जिसका मास कितना है बेटा? 1 kg. ये क्या होता है? इसकी जानो बराबर ऐसा घूम रहा है. ओके, ठीक है. किस स्पीड से घूम रहा है बेटा? किस स्पीड से घूम रहा है? बोलते हैं कि क्या चीज दिया हुआ है? 3 rps. What is rps? Revolution per second. तो ये क्या चीज है? रिवॉल्यूशन पर सेकंड किसका यूनिट होता है? तो ये भी सी का, नॉट ओमेगा. ओमेगा का क्या होता है? रेडियन पर सेकंड. ठीक है, ये किसका है? फ्रीक्वेंसी. तो ये हमें क्या दिया हुआ है? एफ दिया हुआ है. कितना? 3 आरपीएस. हमको किससे मतलब होता है? ओमेगा से. ओमेगा और एफ की क्या रिलेशन है बेटे? टू पाई एफ. ठीक है, क्या होता है? टू पाई एफ. तो टू पाई और एफ कितना है? Angular velocity omega.
ये रिंग जो है उसकी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है कितने से ओमेगा से, ठीक है, कितना मास है इसका m, ओके, और इसका रेडियस कितना है r, ठीक है, इसका रेडियस कितना है r, तो बेटे बता दो इसके पास एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, क्या होता था बेटा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बता चाहिए m के r इक्वल्स टू i इनटू ओमेगा, ये भी पढ़े थे आप तो बोल रहे हो भी सही है, और ये भी कौन पढ़ा था l इक्वल्स टू दो पढ़े थे l इक्वल्स टू r क्रॉस p और इससे क्या निकल गया था r की साइन थीटा या m p r जब थीटा 90 डिग्री होता था तो ठीक है m r sin थीटा थीटा 90 डिग्री होता है तो m p r ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या है, अब किसी चीज को ऐसे पीजूंगा
खींचना है ना, तो भाई हर एक चीज की एक क्या होती है, कैपेसिटी होती है, वो कितना झेल सकता है, कितना टेंशन वो झेल सकता है। तो स्टिंग में क्या होता है, टेंशन पैदा होता है, अब वो कितना टेंशन ज्यादा लगाओगे तो कोई चीज टूटेगा ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जितना फोर्स या टेंशन वो बिना टूटे झेल सकता है ना, फोर्स का क्या कहलाता है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कहलाता है, यानी इससे थोड़ा भी ज्यादा लग रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारी रस्सी टूट जाएगी, हमारी जो रोप है स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। आई बात समझ में ना, ठीक है। तो भैया इसमें जो टेंशन है उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, कितना रहे तो ठीक है, इससे कम रहे तो ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। ओके, अब आगे बोल रहे हैं कि इस रस्सी से हमने क्या लटकाया है, एक 10 केजी का ब्लॉक लटकाया है, ठीक है, 10 केजी का एक ब्लॉक लटकाया है। मिनिमम टाइम इन विच दिस स्टोन कैन बी रेज्ड थ्रू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, इस स्टोन को 10 मीटर ऊंचा लेके जाना है, 10 मीटर ऊंचा लेके जाना है, कम से कम कितना समय लगेगा, ठीक है, कम से कम कितना समय लगेगा। आगे क्या बात समझ में, बट ऑब्वियस सी बात है, समय कब लगेगा, कम जब हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन के साथ इसको ऊपर लेके जाएंगे। आगे क्या बात समझ में, जब हम इसको मैक्सिमम एक्सेलरेशन के साथ ऊपर लेके जाएंगे तो ये सबसे कम समय में, तेज गाड़ी चलाओगे तब मैं जल्दी पहुंचूंगा, गाड़ी को जब आप देखो कहीं जल्दी पहुंचना होगा पूरा एक्सेलरेटर दबाते हैं, पूरा एक्सेलरेट करते हैं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन के साथ अपनी गाड़ी को चलाते हैं, है ना, बात समझ में। तो हम क्या होते हैं, कम समय में पहुंच जाते हैं, वैसे ही इसको क्या करना है, कम समय में पहुंचना है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पैदा होना चाहिए। आगे बात समझ में, इसमें जब जो हम एक्सेलरेशन लेंगे उसपे डिपेंड करेगा कि इसमें टेंशन कितना है, मान लिया मैं कितना टेंशन कितना लग रहा है, कि इधर क्या लगेगा बच्चे, कितना बेटा 10 जी है, इधर कितना लग रहा है ये बोल दिया, कितना मैक्सिमम खेल सकता है ये 30 केजी के वेट के बराबर, यानी मास क्या लेना है 30 केजी और उसका वेट 2 जी, 30 केजी का वेट क्या होगा 30 जी, तो इधर कितना लगना चाहिए 30 जी। आगे बात समझ में, देखो फोर सिचुएशन इसका बताओ बेटा कितना हो रहा है, समझ आया आपको, क्या हो गया बेटा 30 जी माइनस 10 जी बराबर क्या 10 ए, नहीं ना समझ में आ रहा है, बोलो 20 जी बराबर 10 ए, कितना हो गया ए बराबर 2 जी, तो एक्सेलरेशन इसमें कितना होना चाहिए 2 जी होना चाहिए, है ना। आगे का समझ में, अब बेटे मुझे समझ में आ गया इसमें एक्सेलरेशन कितना होता है 2 जी, कितना चलना है इसको 10 मीटर, तो क्योंकि हमने पढ़ा है s इक्वल्स टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो क्या बोला है कि पहले क्या था वो रेस्ट में था, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ये वाला पार्ट क्या हो गया cu, देखिए तो s कितना चलना है 10 मीटर हाफ, एक्सेलरेशन कितना लेना है 2g, g का वैल्यू 10 into t का स्क्वायर, ओके 10 10 कट गया 2 कट गया, t स्क्वायर बराबर क्या है बेटा 1, t बराबर क्या आ गया 1 सेकंड, नहीं समझाना, अरे बोलो कुछ दिक्कत है, आंसर इज व्हाट 1 सेकंड व्हिच इज ऑप्शन नंबर बी, कुछ दिक्कत है तो बोलो, ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 4, क्वेश्चन नंबर 1 2 4 क्या कहता है बेटा ये, इन ब्लॉक टेक्स एंड टाइम्स एज मच टाइम टू स्लाइड डाउन अदर इंक्लाइन ऑफ 45 डिग्री एज इट टेक्स टू स्लाइड डाउन अ परफेक्टली स्मूथ 45 डिग्री इंक्लाइन, तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या, तो मान लो ये एक इंक्लाइन है, ये एंगल कितना बोला 45 डिग्री का, ठीक है, तो जब ये स्मूथ था बोल रहा है, ठीक है, जब ये स्मूथ था कोई ब्लॉक यहां से यहां आने में कितना समय लगता था, मान लो कितना समय लेता था बेटा t, चलेगा, अब बोलते हैं जब ये रफ हो जाता है, तो चलो पहले मैं ये लिखा हूं, मान लो कि ये कितना दूरी चल रहा है s, चलेगा बेटा, अभी क्या हो रहा है स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा है,
स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं लगता, ठीक है? तो क्या लगेगा बेटा नीचे बताओ, एमजी एमजी है इधर, क्या लगेगा नॉर्मल, ये एंगल कितना होता है बेटा 45 होता है, इसके ऊपर ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, इधर क्या हो जाएगा एमजी cos 45, इधर क्या हो जाएगा बेटा एमजी sin 45। ओके, आगे बात समझ में। तो इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक पर कितने फोर्स लग रहे हैं हमें, ओनली वन फोर्स mg sin 45। तो यही नेट फोर्स हुआ। नेट फोर्स किसके बराबर होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन के, इसको बराबर कर दूंगा मास इनटू एक्सेलरेशन, m और m कैंसिल हो जाएगा, देखो कितना एक्सेलरेशन हो रहा है g sin 45 यानी g / √2, ठीक है कि नहीं, समझ गए? तो इस और कितना एक्सेलरेशन हो रहा है g / √2। इनिशियली क्या था बेटा, रेस्ट में, इनिशियली क्या था रेस्ट में, यहां से यहां आने में कितना समय लग रहा है t, तो है ना, हमने क्या पढ़ा है इसका s equals to ut plus half at square, फटाफट बोलो u zero का खत्म हो गया, s बराबर half a कितना बेटा कितना g by root 2 into t का square, this is equation number 1। अच्छे से समझा, कुछ दिक्कत है अभी तक? अब हमने क्या किया, बोला ये जो इनकी कोई सेम प्लेन है, सब कुछ सेम है, ठीक है, बस इसको आप क्या बना लिया, रफ बना लिया, ये बोलो समझा, अब इसको क्या कर लिया, रफ बना लिया। तो रफ बनाने से क्या हो गया बेटा, वेट अब भी लगेगा mg है ना, इधर नॉर्मल अब भी लगेगा, इधर एंगल 45 अब भी होगा, इधर mg cos 45 अब भी होगा, और इधर mg sin 45 अब भी होगा, बट क्या होगा बेटा साथ में, बोलो बोलो, फ्रिक्शन आ जाएगा, ये नीचे स्लाइड हो रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। आगे बात समझ में, और बोलो, ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, म्यू इनटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना है बेटा, नॉर्मल कितना है mg cos 45, ठीक है, कितना हो गया म्यू इनटू mg cos 45, चलिए बोलो, सारे बात समझ में। तो अब ये इधर जा रहा है, मान लो अभी एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, a हो रहा है, तो बताओ क्या लगा हुआ है फोर्स इक्वेशन, लिखो बेटा इसका, नीचे क्या लग रहा है mg sin 45, ऊपर क्या लग रहा है न्यू mg cos 45, तो कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा, बोलो ना जल्दी, फोर्स इक्वेशन नहीं बोल सकते mg sin 45, हां ये इक्वेशन क्या है mg sin 45 माइनस फ्रिक्शन की जगह पर न्यू mg cos 45 5 equals to half into acceleration m और m cancel हो गया, तो ये हो गया बेटा c by 2, ये हो गया minus mu g by root 2 equals to a g by root 2, ऊपर हो गया बेटा है ना, और minus mu बराबर क्या b acceleration कितना, अब b को कितना चलना पड़ रहा है बेटा, वहां से यहां आने में वही सेम डिस्टेंस s चलना पड़ेगा, नहीं बोलो s बराबर प्लस हाफ इट इसका यू जीरो था, तो क्या हो गया हाफ ए, ए कितना है बेटा इसमें जी बाय टू वन माइनस बी, ओके इनटू इस बार टी क्या बोला, पहले का एन टाइम्स, पहले कितना लग रहा है पहले का एन टाइम्स, पहले हमने टी लिया था, इस बार कितना लगेगा एन टी लगेगा, तो इनटू एन टी का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो जो बेटा पहला जो इक्वेशन था दिस वन एंड दूसरा इक्वेशन है दिस वन, दोनों में s को सेम है ना, दूरी तो सेम ही चल रहा था, तो दोनों का LHS क्या हो गया बराबर, तो RHS को भी क्या कर दूंगा बराबर, ओके तो चलो दोनों को बराबर कर लिया, वहां से आया था g by root 2 t square और यहां से आया half g by root 2 1 minus mu n square t square, क्या कटा बेटा half कटा, क्या कटा बेटा g by root 2 बटा क्या कटा बेटा t square कटा, क्या बचा बेटा 1 minus mu n square, ठीक है उसको इधर बुलाया 1 by n square 1 minus mu, क्या चाहिए मेरे को mu 1 minus 1 by n square, क्या हुआ बेटा n square minus 1 upon n square, this is the coefficient of friction, ठीक है which option n square minus 1, यही खत्म हो जाए 1 minus 1 by n square first option, ठीक है 1 minus 1 by n square, that is first option, understood? अरे बोलो बच्चे, 124,
question number 1, 2. क्या बोल रहा है? एक हैवी यूनिफॉर्म चीज लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप एंड हैज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 1.25. तो देखो टॉप पे एक टेबल बना लिया हमने, ठीक है, ये मेरा टेबल हो गया और का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.25. ओके, और बोलता है कि यहां पर एक चेन लाइज करता है तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द लेंथ ऑफ चेन में क्या मतलब है? मास पर यूनिट लेंथ क्या है? सेम है ना, मास पर यूनिट लेंथ हर जगह क्या है? सेम है. ओके, तो बोलते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द लेंथ ऑफ चेन व्हिच कैन हैंग ओवर. कितना परसेंटेज चेन का क्या हो रहा है? लटक रहा है. कितना परसेंटेज चेन का लटक रहा है हमको ये निकालना है, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग the rest of the chain. मतलब rest अभी chain अभी भी क्या है? rest में, मतलब स्थिर है. बेटा मैंने आपको बोला है जब भी rest में है इसका मतलब क्या है? balance condition है, equilibrium का condition है. जब equilibrium का condition मतलब अपने को क्या करना होता है? सिर्फ बराबर करना होता है ना, क्या करना होता है? force को बराबर करना होता है. आगे जब आप समझिए बेटे, मान लो कि x portion total length क्या है? l है, और उसका x पोर्शन क्या हो रहा है? लटक रहा है. आगे बात समझ में, टोटल लेंथ l है, उसका x पोर्शन लटक रहा है. कितना पोर्शन नहीं लटक रहा है? l माइनस x. टोटल मास मान लिया क्या होता है? m. तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो रहा है? m by l, ठीक है. तो बताओ इस हिस्से का मास कितना हुआ? m by l into x, और इस वाले हिस्से का क्या हो गया? m by l into l minus x. समझते हो ना ये चीज? अरे पर यूनिट लेंथ मास पता है, इतने यूनिट लेंथ का क्या होगा? मल्टीप्लाई करना होगा ना. फॉर एग्जांपल मुझे रेट मालूम होता है, सिंपल का कितना होगा, मल्टीप्लाई करोगे ना. समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो इधर वाले का मास इतना है, इधर वाले का मास इतना है. ओके, तो देखो ये पोर्शन जो लटक रहा है, ठीक है, ये जो पोर्शन लटक रहा है उसका सेंटर ऑफ मास होगा कहीं बीचों बीच, क्योंकि यूनिफॉर्म है. तो उस जगह पर ये टोटल मास आएगा, तो उसका वेट आएगा नीचे कितना बेटा? इसका m by l x into g. ठीक है, समझ रहे हो? अच्छे से समझा. तो इधर क्या लगेगा बेटा? इसको नॉर्मलाइज करेगा टेंशन. टेंशन हमेशा क्या लगता है? ऊपर और नीचे. हर जगह पर यहाँ पर क्या होगा बेटा? इस तरफ टेंशन का, यहाँ पर क्या होगा? इस तरफ. अरे बोलो, तो ये टेंशन इस चेन को क्या चाहेगा? इधर खींचना चाहेगा, लेकिन नहीं सरक रहा. क्यों नहीं सरक रहा? क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है. फ्रिक्शन किधर लग रहा है? नीचे इधर जा रहा है. फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, है ना बेटा? तो ये जो फ्रिक्शन है और ये जो टेंशन है वो आपस में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी वो रेस्ट में रह सकता है. अच्छा बेटा, ये जो पार्ट है उसका मास इतना है, वेट कितना होगा? एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी. ऊपर नॉर्मल लगेगा क्या? नॉर्मल कितना हो गया बताओ? नॉर्मल कितना हो गया? ये एम बाई एल एल माइनस एक्स इंटू जी नॉर्मल हो गया. अच्छे से समझा? तो बताओ फ्रिक्शन पता चल जाएगा क्या? फ्रिक्शन क्या होता है? न्यू टू नॉर्मल. न्यू आपको की बन रहा क्या? 0.25 को 1/4 लिख दिया है, तो 1/4 एम बाई एल एल माइनस एक्स इंटू जी इतना फ्रिक्शन हो गया. ओके, इसको क्या होना चाहिए बेटा? बराबर होना चाहिए किसके? टेंशन के. अच्छे से समझा? ओके, अब यहाँ पर आ जाओ, तो ये भी तो बैलेंस ही है ना. इधर क्या लग रहा है? इतना ऊपर क्या लग रहा है? वही टेंशन. ये भी तो बैलेंस होना चाहिए ना. तो टेंशन किसके बराबर हुआ? इसके बराबर. इक्वल टू कर दू, इक्वल टू कर दू एम बाई एल एक्स जी. क्या बेटा देखो, एम बाई एल बेटा और क्या बेटा? जी बेटा. क्या बचा? L minus x by 4. और इधर क्या बचा बेटा? x L minus x बराबर 4 है.
x l double 5 x x double l by 5. तो कितना पोर्शन घटक रहा है बेटा l by 5. ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, कितना परसेंट है ये टोटल का, तो कैसे निकालो कितना परसेंट l by 5 by l into क्या 100 है ना, ये कट गया बेटा 5 से 20, कितना पोर्शन घटक रहा है 20% घटक रहा है. ठीक समझाना, कौन सा क्या ऑप्शन नंबर सी. अरे नहीं समझ आया ना, एकदम क्यू छोड़ गया बिल्कुल पीछे पीछे. क्या नाम है उनका, धर्मेश. नहीं समझा, मुजम्मिल. समझा क्या, पक्का ना, ऐसे है ना, कोई नहीं लगा मुझे क्यों देखे हैं, डर जाता हूँ मैं. तो इतनी बात समझ में आई क्या. ओके आगे बढ़ जाओ, हम लोग बोल के आज रॉकेट क्यों हो गए उस सर है ना, कल थोड़ा उठा रहा हूँ पढ़ा रहे. अरे एक पेपर जनरली एक दिन भी नहीं लगता, तीन दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया. हम लोग स्टार्ट कब करेंगे पढ़ना, अब दो पेपर डिस्कस करना है. ठीक है, तो उसको थोड़ा जल्दी करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका अगला टेस्ट कब है 13 तारीख को, उसके पहले चैप्टर नहीं खत्म होगा तो टेस्ट कैसे दोगे. ओके, जनरली इस तरह डाउट्स होते नहीं है ना, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि पूरा पेपर डिस्कस करना पड़ता है. अदरवाइज आप बनाओगे तो दो चार डाउट आएंगे ना, पूरी 45 मुझे कभी सॉल्व नहीं करने पड़ते. ठीक है, मैक्सिमम डिस्कशन के लिए एक लेक्चर होता है, आज तीसरा लेक्चर चल रहा है. ठीक है, करना ही पड़ेगा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पढ़ के एग्जाम नहीं दिया है ना, मस्त आए काफी भी घूमते हुए है ना, कर दफ्तर बॉम्बे को ए और बी में सीधा उछाला, सी आए, सी और डी में सीधा उछाला, सी आए, फिर ए और सी में सीधा उछाला, सब हो गया. सही बोल रहा हूँ है, गलत बोल रहा हूँ, कितने लोगों ने ऐसा किया है, किसी ने नहीं किया, ईमानदार नहीं किया है, बदमाशी नहीं करते. चलो अच्छी बात. देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 126. बोलते हैं एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, हर लेंथ ट्वाइस एज लार्ज एज ब्रेड्थ. ठीक है, उसकी जो लेंथ है ठीक है वो उसके ब्रेड्थ से डबल है, उसकी जो लेंथ है उसके ब्रेड्थ से डबल है. इज लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो ये इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ध्यान से समझ. ठीक है, तो ये इसका मान लो लेंथ है कितना हो गया बेटा एल, एल ए है, और इसका जो ये क्या हो गया ब्रेथ हुआ. ओके अच्छे से समझ रहे हो, तो बोलते हैं कि लेंथ जो है वो क्या है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, यानी इसको अगर मैं एल लूं इसको मुझे क्या लेना पड़ेगा 2l लेना. अच्छे से समझा. ओके अब आगे क्या कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम इट इज लाइक ऑन द हॉरिजॉन्टल, पहले ये हॉरिजॉन्टली ऐसा रखा हुआ है, उसके बाद क्या हुआ ग्रेजुअली बीइंग रेज, इसको धीरे धीरे करके ऐसा उठा रहा है. ठीक है, क्या कर रहे हैं ऊपर कर रहे हैं. So as to be inclined to the horizontal at an angle theta, ऐसे उठाता है इसको कि जो angle है वो कितना हो जाता है theta, मतलब कैसा क्या होता है, तो ऐसा उठाया, उठाया तो कैसा हो जाएगा ये, ठीक है इस तरीके से ऐसा उठाता है, कुछ दिक्कत है बोलो. तो यहाँ पर देखो horizontal के साथ अब क्या हो गया एंगल बन गया कितना बेटे थीटा. आगे बात समझ अच्छे से समझा, बहुत अच्छी बात है भैया. अब इसका जो वेट है वो कहाँ होगा, यहाँ पे ही वेट होगा इसका, हैं बोलो कितना होगा वेट इसका, एमजी होगा, एमजी होगा है ना बच्चे. अब आपको पता है कि जो ये वाला एंगल होता है और ये वाला एंगल होता है तो उसका क्या होता है बराबर होता है, ये थीटा हो गया बेटा. mg के दो पोर्शन बनेंगे एक इधर आएगा क्या mg cos theta और एक इधर आएगा क्या mg sin theta. अरे अच्छे से समझ में आया क्लियर है, तो बेटे देखो आप गौर से
तो इस ये जो एक कंपोनेंट है और ये जो दूसरा कंपोनेंट है ना, इस पॉइंट के अबाउट है ना, हम घुमाएंगे जब जब इसको उठाएंगे, इसको आप ये दरवाजा समझ लो है ना, जो दरवाजा है इसको मैं मान लो बाहर निकाल के ऐसा ले आऊं, सामने रख दूं आपका, और इसको एक कॉर्नर के अबाउट ऐसा प्रिंट कर, समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ है ना, ये ऐसा ये लेंथ हो गया इसका, ये प्रिंट हो गया। अब इसको अटैच कर वो पूरा होता उधर से और वो लास्ट एंड है उसके बहुत ऐसे करता, तो एक समय आता है घूम जाता पलट जाता, उसको कहते हैं गॉब्लिन। अंडरस्टूड? ठीक है, वैसे ही कुछ हो रहा है यहाँ पे, आ रही बात समझ में, वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। जब मैं इसको ऐसा उठाऊंगा एक समय आएगा कि ये क्या हो जाएगा, टॉपल कर जाएगा मतलब घूम जाएगा। ओके, तो आगे बोल रहा है आपको कि फॉर व्हाट वैल्यू वी आर द ब्लॉक बी एट द पॉइंट ऑफ टॉपलिंग। ठीक है, किस एंगल पर ये टॉपल होने को हो जाएगा, मतलब उसके बाद वो पलट जाएगा, समझ गए? तो बेटे यहाँ पर देखो दो चीजें हैं, एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट। ये कंपोनेंट किधर घुमाएगा सर? ये एक्सिस हो, यहाँ के अबाउट घूमेगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ठीक है, तो ये वाला एक टॉर्क पैदा करेगा, देखो ऐसा जा रहा है, ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया है, ये फोर्स हुआ तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये क्या हो रहा है, ये और ये हो गया उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नहीं समझ आ रहा है? बोलो। ठीक है, तो बताओ ये वाला किधर घुमाएगा? ऐसे। और ये वाला कैसे घुमाएगा? ऐसे। शाबाश। क्या कह रहे हो? नहीं समझ में आया? बोलो। ये आया कि नहीं समझ में? हाँ अच्छे से। ठीक है, ये वाला किधर घुमाएगा? ये वाला इधर घुमाएगा। तो अभी अपने आप चालू हुआ। ठीक है, आप समझ में आ रही? तो ये वाला अपोजिट में घुमा रहा है, ये वाला अपोजिट में घुमा रहा है, इसको ऐसे पलटाना है। सोचो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, पलटाने, और ये वाला किधर करने की कोशिश कर रहा है, इधर। पलटेगा कब? जब ये ज्यादा होगा, या तो ज्यादा हो या तो एटलीस्ट बराबर हो, समझ में? तो इसका टॉर्क इससे या तो ज्यादा या तो बराबर होगा। अच्छा बेटा, ये क्या चीज था? ये ब्रेक था है ना, और ये क्या चीज है? लेंथ है। तो बताओ ये ब्रेड्थ है, ये कितना है बेटा? है उसका आधा। नहीं समझ आ रहा? बी बाई टू। हाँ तो ख्याल बाई टू, अभी बी लेता हूँ, अभी बी है, बी बाई टू हुआ। अच्छा उधर बंद हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये बी है, ऑब्वियस इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, वहाँ पर मिड पॉइंट पे होता है। ओके, तो क्या हो रहा है बेटा, ये वाला जो फोर्स है उसको इधर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वाला जो है इसको इधर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका टॉर्क जो है इससे ज्यादा या बराबर होना चाहिए, तब जा करके वो क्या होगा, या तो टॉपल हो जाएगा या तो टॉपलर टॉपलिंग के एंड पर आ जाएगा, मतलब होने होने को हो जाएगा, समझ गए? तो बेटा बताओ ये कितना टॉर्क पैदा करेगा? ये टॉर्क के लिए सर ने बताया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इन एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, डी बाय टू, सो डी ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या, इसके कारण टॉर्क कितना बेटा, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, और उसकी लंबाई क्या बेटा, लेंथ, उधर ये क्या है लेंथ है उसका आधा, यानी एल बाय टू, समझो? सब समझ रहे हो कि नहीं? आगे बात समझ में, बेटे ये और ये कैंसिल हो गया, एम जी और एम जी कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा इंटू ग्रेटर देन कॉस थीटा इंटू एल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो थीटा इनवर्स टू, ग्रेटर देन इक्वल टू टेन इनवर्स टू,
तो अगर ऐसा कुछ अनोन ये रहेगा उसके एंगल निम्न रहेगी, ऐसे तो अजीब है एंगल, लेकिन अपन ने क्या पढ़ा है 30 निकालना पड़ा है, 45 60 90 120 ऐसे पड़े है ना, ऐसे अजीब अजीब नहीं पड़े, या तो ऐसा अजीब आएगा नहीं या फिर आएगा तो उसकी वैल्यू निम्न रहेगी। फिर समझ में आया आपको, ठीक है आगे बढ़ जाऊंगे। ओके ये क्या है
तीसरे चरण ये सरफेस क्या है स्मूथ, सरफेस क्या है स्मूथ। ओके अब आगे बोलते हैं इफ चाइल्ड स्टार्ट्स रनिंग अब बच्चा क्या होता है इस पर दौड़ने लगता है कितने से यू से, ठीक है कितने से दौड़ने लगता है यू से। बोलते हैं कि अब जो इसका सेंटर ऑफ मास है सेंटर ऑफ मास का स्पीड क्या, ठीक है व्हाट इज द सेंटर ऑफ स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास बोल क्या होगा वी। हां वेरी शाबाश 2 बेटा क्यू सेंटर ऑफ मास और एक बात शाबाश हमने क्या पढ़ा है बेटा हमने पढ़ा है कि जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे या एक्सटर्नल फोर्स ना लगे है ना तब तक जो है सेंटर ऑफ मास है ना जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता मतलब उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होता। समझ में आ गया इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स देन सेंटर ऑफ वेलोसिटी मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहता है कंजर्व रहता है वेलोसिटी मास को कंजर्व है ही वेलोसिटी भी क्या रहेगा सेम रहेगा। तो पहले वो जिस वेलोसिटी से चल रहा था अब भी क्या होगा उसी वेलोसिटी से चलेगा। पहले उसका सेंटर ऑफ मास क्या चल रहा था v से चल रहा था अब भी क्या चल रहा है v से चल रहा है। फिर आपके मन में आएगा सर वो लड़का खड़ा हुआ उसको दौड़ना चालू किया दौड़ते हुए पैर से ट्रॉली पे फोर्स तो लगा रहा होगा सर। हाँ लगा रहा है सही बात लेकिन ये दोनों मिलकर के क्या बना रहा है एक सिस्टम है और ट्रॉली और बॉय बॉय किसके लगाएगा ट्रॉली पे तो ट्रॉली किसके लगाएगा बॉय पे। तो जो भी हुआ क्या हुआ अंदर में हुआ इंटरनल हुआ बाहर से किसी ने कुछ नहीं किया ना। हमने क्या बोला एक्सटर्नल लगेगा तब चेंज होगा एक्सटर्नल लगा ही नहीं जो भी हुआ इंटरनल हुआ इसलिए उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अंडरस्टूड बिकॉज अर्लियर वी नाउ ऑल्सो इट इज वी अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 132 क्वेश्चन नंबर 132 क्वेश्चन नंबर 132 ए सॉलिड डिस्क फर्स्ट रोल्स विदाउट स्लिपिंग एंड देन स्लाइड्स विदाउट रोलिंग डाउन द सेम इंक्लाइन प्लेन। पहले क्या हो रहा है रोल्स विदाउट स्लिपिंग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग को क्या कहते हैं बेटा प्योर रोलिंग। पहले क्या करता है प्योर रोलिंग करता है प्योर रोलिंग है ना किस पे इंक्लाइन पे क्या चीज है वो डिस्क है ना सॉलिड डिस्क क्या है ये सॉलिड डिस्क। ओके फिर क्या करता है एंड देन स्लाइड्स विदाउट रोलिंग डाउन रोलिंग फिर बाद में क्या करते हैं विदाउट रोलिंग मतलब क्या होगा स्लाइडिंग ओनली स्लाइडिंग बाद में क्या करता है स्लाइडिंग स्लाइड स्लाइड ठीक है। दोनों ही केसेस में वेलोसिटीज इन टू केसेस एट द बॉटम जब यहां पर पहुंचेगा ठीक है तो यहां पर इस केस में जो वेलोसिटी आएगा मान लो v1 और उस केस में जो वेलोसिटी आएगी मान लो v2 तो v1 और v2 का मुझे क्या चाहिए बेटा रेशियो समझ में आया। तो बताओ न्यू रूलिंग के केस में मैंने वेलोसिटी का फार्मूला बताया था क्या होता था स्क्वायर रूट 2gh / 1 plus a square / r square है ना। और इसमें क्या बताया था जब स्लाइडिंग होता है तो ओनली स्क्वायर रूट 2g h है ना उसके लिए h क्या होता है नहीं समझा। ओके तो बेटा इन दोनों का जो रेशियो है क्या हो जाएगा हां ये जो प्रिंसिपल थ्योरी है गिवन बाय b टू रख देंगे इन चीजों को गिवन कितना था 2g h / 1 plus a square by r square और ये क्या हो गया स्क्वायर रूट 2g h कैंसिल हो गया बेटा ये है ना क्या बचा बेटा 1 upon square root 1 plus a square by r square है ना समझा तुमने हां बोलो। अब मुझे ये बताओ ये क्या होता था k square by r square क्या होता था k square by r square है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाला था बताओ सॉलिड डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr square हाफ mr square ठीक है तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा हाफ
numerical part taken half diameter one upon square root one plus one by two है ना ठीक है ना हो गया one upon square root two three by two हो गया बेटा क्या हो गया square root two by three है ना क्या रहा है root two is two कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा सर ऐसा तो है ना कोई ऑप्शन ऐसा मैच नहीं कर रहा है ना अरे बोलो क्या करें फिर क्या करना चाहिए हाँ ठीक है अब देखो रूट सिक्स और दिस थर्ड ऑप्शन रूट सिक्स इज टू थ्री इसको रूट थ्री टू रूट थ्री लिख सकता हूँ बोलो बेटा को क्या लिख सकता हूँ मैं थ्री को क्या लिख सकता हूँ रूट थ्री को रूट थ्री और रूट सिक्स को क्या लिख सकता हूँ रूट टू इंटू रूट थ्री बोलो रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा रूट टू इंटू रूट थ्री आएगा नहीं आएगा नहीं तो ऑप्शन नंबर सी और ये क्या है ये की है थोड़ा सा घुमा दिया बस ठीक है विच इज ऑप्शन ऑप्शन नंबर सिक्स ओके अच्छे से समझा खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 133
D, 8 by 5 mR square plus 2 mA square. Option number D. अच्छे से समझा? बिगेर है मेरी बात? आगे बढ़ जाओ. क्वेश्चन नंबर आज क्वेश्चन नंबर 134. क्वेश्चन नंबर 134 क्या कह रहे हैं ये? A mass sliding down an inclined plane and reaches the bottom with velocity v. पहली बार क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है. एंड मैंने क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है. From this, on a frictionless inclined plane, the ratio. अच्छा एक क्या है? Solid sphere है. Solid sphere है. और एक क्या है बेटा? This है. ओके दोनों का मास और रेडियस क्या है? सेम. मास इसका भी m और r है, इसका भी क्या है? m और r है. दोनों क्या हो रहे हैं? रोलिंग कर रहे हैं, है ना? क्या कर रहे हैं बेटा? रोलिंग कर रहे हैं. और मास रोल्स डाउन क्या होगा बेटा? क्या होगा? अच्छा मैं छोड़ दिया क्या बात करनी है तो आगे बढ़ जाए. अब सेम तरह को डिस्कस करता हूँ. पहले अभी मैं 135 देख रहा हूँ. उल्टा हो गया. 135 चला गया. ठीक पहले 135 तो 135 क्या कह रहे हैं? एक सॉलिड स्फीयर है और एक डिस्क है. दोनों का डायमीटर सेम है यानी रेडियस भी सेम हुआ और मास भी दोनों का क्या है? सेम है. रोल्स डाउन फ्रॉम अ रेस्ट फ्रॉम रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन्स देयर रेशियो द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन इज उनका एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा बताओ. क्या लगेगा? लगेगा क्या यहां पे? लगेगा क्या? नहीं लगेगा. क्यों? वहां पर एक लाइन लिखा हुआ है देखो, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन. अब जब फ्रिक्शनलेस रहेगा तो घूमेगा कैसे? वो घुमाता कौन था? फ्रिक्शन किंतु घुमाता था नहीं समझा. रोलिंग कौन कराएगा उसको? फ्रिक्शन कराता था. अब यहाँ पे फ्रिक्शन ही नहीं है तो वो क्या करेगा? स्लाइड करेगा सिर्फ. समझा क्या? आप देखते हो जब फ्रिक्शन पर्याप्त नहीं रहेगा तो आपका चक्का क्या होता है? वहीं भी घूमने लगता है. गाड़ी कभी ट्रैक्टर वगैरह फंसते देखा है? कीचड़ में फंस जाता है. अगर सिर्फ स्लाइडिंग होगा जी साइन थीटा और अगर प्योर रोलिंग होगा तो फिर जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ऐसा भी करके लिखाया था कि अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस होगा तो कोई भी शेप होगा सबका, कोई भी शेप हो, कुछ भी मास हो, सबका क्या होगा बेटा? जी साइन थीटा यानी सेम होगा, सबका एक्सेलरेशन सेम होगा. लेकिन अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो फिर जो कि वहां पर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाता है और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हर एक के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है. स्फीयर का अलग होगा, सॉलिड स्फीयर के लिए अलग होगा, हॉलो स्फीयर के लिए अलग होगा. तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है. आई क्या बात समझ में? धन्यवाद.
flying plane and reaches the bottom with velocity v. ठीक है, पहले क्या कर रहा है, सिर्फ स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो क्या होगा स्पीड बेटा, सिर्फ स्क्वायर हो 2v8. अभी बता देता है, अब बोलता है इफ द सेम मास इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क, अब वो क्या है डिस्क के फॉर्म में है एंड रोल्स डाउन द सेम इंक्लाइन प्लेन, व्हाट इज द वेलोसिटी एट द बॉटम, अब रोलिंग कर रहा है फिर क्या होगा बेटा 2gh / 1 plus a square / r square. ठीक है, तो नया वाला वेलोसिटी कितना होगा, मान लो नया वाला कितना है v डैश है. ठीक है, तो दोनों को क्या करो बेटा राइट कर दो, चलेगा क्या हो जाएगा देखो v / v डैश equals to square root 2gh / 2gh / 1 plus a square / r square. ये और ये क्या हो गया कैंसिल. ठीक है, ये वाला पार्ट कहां चला जाएगा, ऊपर सही कह रहा हूं मैं, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1 plus a square / r square. क्या चीज बनाया इसने, सॉलिड डिस्क, फॉर्म ऑफ डिस्क. तो बताओ डिस्क का क्या होता है बेटा, 1 a square / r square 1 by 2 square root क्या होता है 1 plus 1 by 2 क्या हो गया रूट अंडर 3 by 2. आई बात समझ में, क्या हो गया रूट अंडर 3 by 2. ये क्या है बेटा 3 by 3 डेंस, हमको क्या चाहिए वी डेंस, वी डेंस का मतलब क्या हो जाएगा बेटे बोलो, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा 3 by रूट अंडर 3 by 2, क्या हो जाएगा ये रूट अंडर 2 by 3. नहीं समझा, समझा तो क्या आया ऑप्शन नंबर बी. ओके, नया जो डिस्क वाले का जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा रूट अंडर 2 बाय 3 ऑफ सिंपल मास, समझ गए. Thank you.
Okay.